वेलकम मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बॉर्डर टू में नहीं हो गए आयुष्मान खुराना। सन्नी पाजी की वजह से आयुष्मान खुराना ने बॉर्डर टू करने से कर दिया मना। आखिर क्यों सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले प्लीज आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सन्नी देओल के फैन है तो। दरअसल बॉर्डर की जब से अनाउंसमेंट हुई थी, तब से ही आयुष्मान खुराना का नाम बॉर्डर 2 से जोड़ा जा रहा था। बॉर्डर 2 के मेकर्स और आयुष्मान खुराना भी इस मूवी के लिए एक्साइट थे, लेकिन अचानक से यो बॉर्डर 2 को आयुष्मान खुराना ने क्यों ना कह दिया, उसके रीजन है सन्नी देओल। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के अनुसार आयुष्मान खुराना का कहना है कि बॉर्डर 2 में सन्नी देओल का वर्चस्व ज्यादा है, सन्नी देओल का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने बॉर्डर 2 से हाथ पीछे खींच लिए हैं। आयुष्मान खुराना चाहते थे कि मेरा रोल और सन्नी पाजी का रोल इक्वल होना चाहिए। तो आपके मंतव्य से क्या लगता है कि आयुष्मान खुराना ने बॉर्डर 2 करने से मना करके ठीक किया या नहीं? लेकिन फैंस, मैं आयुष्मान खुराना को यही बोलना चाहूंगा कि भाई सन्नी पाजी तो 65 साल से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो किसी बड़ी मूवी की सीक्वल आती है प्रॉपर वो सन्नी देओल की मूवी है, आपकी मूवी तो है नहीं, तो आप सन्नी देओल के इक्वल रोल मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आयुष्मान खुराना बॉर्डर 2 से हाथ पीछे खींचते हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वो खो देंगे। के अलावा बॉर्डर 2 के साथ दलजीत दोसांझ का नाम भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक दलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ मेकर्स और दलजीत दोसांझ की बात चल रही है। चांसेस तो लग रहे हैं कि दलजीत दोसांझ भी बॉर्डर 2 के साथ जुड़ जाएंगे। खैर अभी देर नहीं है, अब जल्द ही हमें बॉर्डर 2 की कास्ट की कैरेक्टर वाइज ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलने ही वाली है। आई होप कि आपको खबर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक दबा के कर देना भाई साहब, सन्नी देओल का फैन है तो जरूर लाइक कर देना। ऐसी ही खबर के लिए आपके अपने भाई के चैनल पागल बोल रेशम को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई मेरे दोस्तों।